हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट एडवाइस की नई वीडियो में। तो चलिए आज के नए फ्रेश वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर गए किया सेल्टोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात कर लेते हैं किया सेल्टोस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और बात करते हैं कि किया सेल्टोस में ये ऐसा क्या खास है जो क्रेटा को ये कॉम्पिटिशन दे रही है, और इसका सेल्स फिगर हमेशा क्रेटा से ज़्यादा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो चलिए गाड़ी के फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले हेडलाइट्स को देख लीजिए। गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट्स किस प्रकार की दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी की हेडलाइट्स किस प्रकार की देखने में लगती है। तो गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिल जाएगी, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सैटर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। फॉग लैंप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स गाड़ी के अंदर दिए गए, तो आप देख लीजिए किस प्रकार के देखने में लगते हैं इसके फॉग लैंप्स। तो ओवरऑल लुक को देख लीजिए, गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट का लुक किस प्रकार का दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको किया की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट की ग्रिल को देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट की ग्रिल किस प्रकार की दी गई है। तो ओवरऑल ग्रिल को देख लीजिए गाड़ी के अंदर आपको ग्रिल किस प्रकार की देखने में लगती है। तो बात करें गाड़ी के नीचे के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ की ग्रिल को देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ की ग्रिल किस प्रकार की दी गई है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है। तो चलिए अब गाड़ी के साइड लुक के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको साइड का किस प्रकार का लुक दिया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर के ऊपर आपको साइड एंड इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो बात करें गाड़ी के टायर के बारे में, तो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते ये 8/16 के टायर, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी का साइड लुक किस प्रकार देखने में लगता है। तो यहाँ पर आपको साइड बीडिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका साइड बीडिंग का लुक आता है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी साइड से किस प्रकार की देखने में लगेगी। तो बात करें गाड़ी के रूफ रेल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है, जिसका किस प्रकार का लुक आता है। ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी की रूफ रेल्स किस प्रकार की देखने में लगती है। तो ये यहाँ पे रेन वाइजर, इसके ऊपर आपको क्रोम की बीडिंग भी देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो चलिए अब गाड़ी के रियर के बारे में बात कर लेते हैं। रियर कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेल लाइट्स को देख लीजिए। गाड़ी के अंदर आपको टेल लाइट्स किस प्रकार की दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी की टेल लाइट्स किस प्रकार की देखने में लगती है। यहाँ पे आपको किया की बेजिंग, और यहाँ पे ये रियर वाइपर, और यहाँ पे रियर वाइपर विथ डिफोगर आप देख सकते हो। डिफोगर भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे ये 6 की बेजिंग, भारत 6 गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो ओवरऑल देख लीजिए यहाँ पे आपको सेल्टोस की बेजिंग भी देखने को मिल जाएगी। और बाकी आप रियर से ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है, जब गाड़ी के आप रियर से देखते हो। तो पार्किंग सेंसर के बारे में बात करें, तो यार गाड़ी के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी रियर से किस प्रकार की देखने में लगती है, जब गाड़ी को आप रियर से देखते हो। तो चलिए अब सबसे पहले इंटीरियर के अंदर हम डोर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको डोर किस प्रकार का देखने में लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोर यहाँ पे किस प्रकार का देखने में लगेगा। तो यहाँ पे ये इसके विंडोज़ के कंट्रोल्स, यहाँ पे अनलॉक और लॉक का बटन, और इसके अलावा यहाँ पे मिरर्स के कंट्रोल्स भी दे रखे हैं, और ये इसका डोर हैंडल, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर की स्पेस भी यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे ओवरऑल देख लीजिए किस प्रकार का देखने में लगता है गाड़ी का डोर। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले आप सीट्स को देख लीजिए कि सीट्स किस प्रकार की देखने में लगती है। तो ये यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी गाड़ी के अंदर दी गई है, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी के डैशबोर्ड को किस प्रकार का इसका लुक आएगा जब इसको आप देखोगे। तो रियर डोर को देख लीजिए, गाड़ी के अंदर आपको रियर डोर का किस प्रकार का लुक देखने को मिलता है। तो आप रियर डोर को देख सकते हो, गाड़ी के अंदर आपको रियर डोर का किस प्रकार का लुक देखने को मिलेगा। तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको कर्टन देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये किस प्रकार के देखने में लगते हैं। तो ओवरऑल रियर डोर को देख लीजिए, गाड़ी के अंदर आपको रियर डोर किस प्रकार देखने में लगता है। तो बात करें गाड़ी के अंदर आपको किस प्रकार का स्पेस देखने को मिलेगा, तो आप लेग स्पेस को देख सकते हो। गाड़ी के अंदर आपको लेग स्पेस किस प्रकार का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल्टोस की बेजिंग यानी कि कपलेट्स गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे आप किस प्रकार की देखने में लगती है गाड़ी इंटीरियर से। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के लेग स्पेस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको लेग स्पेस कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए गाड़ी के अंदर आपको लेग स्पेस कितना देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे लेग स्पेस को देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर आपको लेग स्पेस कितना दिया गया है। तो बात करें गाड़ी के रियर एसी वेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब गाड़ी के रूफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको रूफ के अंदर कितनी लाइट्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रूफ के ऊपर लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो केबिन लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि एक यहाँ पे भी आपको केबिन लाइट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल देख लीजिए
ये गाड़ी के अंदर आपको इस प्रकार का देखने में लगता है इंटीरियर। तो चलिए अब गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं कि आपको डैशबोर्ड किस प्रकार का देखने को मिलेगा किया सेल्टोस के अंदर। तो चलिए अब डैशबोर्ड को देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको डैशबोर्ड किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड को देख लीजिए गाड़ी के अंदर आपको डैशबोर्ड किस प्रकार का दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार देखने में लगते हैं। एयरबैग की बेजिंग और किया की बेजिंग और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो सेंटर कंसोल को आप देख लीजिए गाड़ी के अंदर आपको सेंटर कंसोल किस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पे ये टच स्क्रीन जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो यहाँ पे आपको पियानो फिनिश देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको हेजा लाइट का बटन और एसी वेंट्स यहाँ पे दे दिए गए और ये इसके एसी के कंट्रोलर जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो ये इसका 6 स्पीकर गियर बॉक्स जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का देखने में लगता है इसका गियर नॉब। तो ओवरऑल देख लीजिए सेंटर कंसोल किस प्रकार देखने में लगेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर देख सकते हो किस प्रकार का देखने में लगता है इसका आर्मरेस्ट। तो आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा, यानी कि ये गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट के अंदर भी स्पेस दिया गया है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी का डैशबोर्ड किस प्रकार देखने में लगता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एयरबैग यहाँ पे भी आपको बेजिंग देखने को मिल जाएगी और इस डैशबोर्ड को देख सकते हो गाड़ी के डैशबोर्ड किस प्रकार का लुक आएगा जब गाड़ी के डैशबोर्ड को आप देखते हो। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी का डैशबोर्ड किस प्रकार का देखने में लगता है। तो चलिए अब गाड़ी के बूट के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर आपको बूट किस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो चलिए अब गाड़ी के बूट के बारे में बात करते हैं। तो ये देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको बूट किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी और ये इस गाड़ी का 460 लीटर का बूट स्पेस जो कि आप देख लीजिए किस प्रकार का देखने में लगता है। तो यहाँ पे आपको ये स्पेयर व्हील देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हो गाड़ी ने के अंदर आपको क्रॉस कटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे किस प्रकार का ये देखने को मिलेगा इसका रियर यानी कि स्पेयर व्हील आपको स्टील व्हील दिया गया है। तो गाड़ी के अंदर क्रॉस कटिंग भी की गई है, कई सारी गाड़ियों के अंदर ये भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्रॉस कटिंग नहीं देखने को मिलती है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको पता होगा कि क्रॉस कटिंग भी गाड़ी के अंदर की गई है। तो ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है रियर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें किस प्रकार देखने में लगती है, किया सेल्टोस का बूट और बाकी सब चीज़ें आप देख लीजिए। तो चलिए अब गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको 1.6 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो 16 वोल्ट CRDI इंजन जो कि आपको क्रेटा के अंदर भी देखने को मिलता है और बाकी हुंडई गाड़ियों के अंदर भी यही इंजन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका इंजन है। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।